हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पेडागॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने लर्निंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। फिर मैंने कहा था तीन भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और है, तो उन तीन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो ये भी आ सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत, शॉर्ट में क्या मतलब कि ऑप्शंस में, तो नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक नैतिकता का सिद्धांत, ये आ जाए नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग। सबसे पहले तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा नाम जाना चाहे तो लॉरेंस कोहलबर्ग, लेकिन कोहलबर्ग याद रहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिकता विकास का सिद्धांत। नैतिकता कहना चाहे हम तो नैतिकता मतलब क्या होता है? किसी इंसान के अंदर कितने मतलब ह्यूमनिस्टिक नेचर क्या है उसका, गुण क्या है उसकी, किस हिसाब से व्यवहार करता है, किस पास से रहता है, मतलब उसके अंदर गुण क्या क्या है। जैसे मॉरल बोला जाता है ना, मॉरल क्लासेस, मॉरल सब्जेक्ट्स, ये सब क्यों होते हैं? बच्चों को नैतिक चीजें देखिए, आपने देखा होगा छोटे क्लासेस में सब्जेक्ट चलता है मॉरल सब्जेक्ट, क्यों चलते थे? बच्चों को नैतिक चीजों को सिखाने के लिए कि हमें बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, हमें छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से किससे नेचर करें, क्या मतलब सारी चीजें सिखाई जाती है। उसके अलावा हमारे आस पास का भी जो वातावरण होता है, जो घर परिवार होता है, जहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसमें काफी चीजें नैतिकता से रिलेटेड होती है। और ये जो नैतिकता है इसके स्टेज मतलब इसके अगर स्तर की बात करें, इसका स्तर है, इसको तीन तरह के स्तर में बांटा गया है। तीन तरह का स्तर अगर हम कहना चाहें कि कौन कौन सा स्तर है, तो प्री कन्वेंशियल लेवल अगर कहना चाहें हिंदी में, तो प्री मतलब पूर्व, कन्वेंशियल मतलब परंपरागत स्तर। प्रीकन्वेंशन लेवल जो होता है हमारा वो 4 से 10 साल के बीच में होता है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन और करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से थी। पहला प्रीकन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन लेवल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशन। प्रीकन्वेंशन मतलब परंपरागत स्तर, कन्वेंशन मतलब सिर्फ परंपरागत स्तर। ठीक है, प्रीकन्वेंशन मतलब प्री मतलब पहला, कन्वेंशन मतलब परागत परंपरागत, और ये है, और पास्ट कन्वेंशन मतलब पूर्व पहले का परंपरागत, पास्ट मतलब उत्तर, तो बाद का हिंदी में कहना चाहेंगे। ज्यादा इसमें डिटेल इतना नहीं जाना जरूरी है, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टीचिंग एग्जाम में पेडागॉजी के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं और लैंग्वेज से रिलेटेड आने लगे। बिल्कुल 1 पॉइंट नहीं आता, कभी आ भी सकता है कभी कभी, नैतिकता का सिद्धांत तौर पर। अब इसमें बीच में से लाइनें भी दी जा सकती हैं, तो उन लाइनों के बारे में हमें आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, इसके तीन स्टेज होते हैं, एक प्री कन्वेंशियल लेटर पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशियल लेवल परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशियल लेवल। तो अब ये चीजें होती क्या है? पहले चीज देखिए, ये 4 से 10 से 10 से 13 ये उसके बाद है। मैंने क्या कहा था, बच्चा 0 मतलब पेट से सीखना शुरू कर देता है, फिर पैदा होता है, तो यहाँ पर 1 साल 0 साल 2 साल क्यों नहीं है? इसलिए कि जो नैतिकता का विकास होता है वो बचपन से नहीं शुरू होता। बचपन में तो बच्चे को अकल ही नहीं होती क्या बोलना है, क्या पीना है, क्या खाना है। तो नैतिकता का विकास इसलिए माना जाता है कि शैशवावस्था से नहीं मानते, तो शैशवावस्था तो छीन जाती है, कह दो कि प्रारंभिक शैशवावस्था से नहीं मानते, उत्तर शैशवावस्था से मानते, मतलब बाद की अवस्था से मानते, इसलिए 4 से 10 साल रखा जाता है। कुछ अगर ऑप्शन आ जाए तो ये शुरुआत 4 से 10 होती पूछने से पहले, क्यों? क्योंकि पहले बच्चों बचपन से बच्चों में नैतिकता नहीं सिखाई जा सकती। नैतिकता तब सिखाई जाती है जब उनमें कुछ थोड़ा समझ आए, कुछ वो चीजें अच्छा बुरा समझे, उस समय में सिखाई जाती है। और दूसरी चीज, नैतिकता जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है वैसे वैसे नैतिकता का लेवल बढ़ता जाता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, कोहलबर्ग ने, इन्होंने इसको
तीन को और पार्टों में बांटा, इसको दो पार्ट में बांटा, इसको दो पार्ट में बांटा, इसको दो पार्ट में बांटा। पूर्व परंपरा जिसका कि उनको दो पार्ट बांटे उनका नाम क्या था? पनिशमेंट एंड ओबिडेंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट, इसको आपको लर्न नहीं करना है, इसके अंदर ये है ये है ये, खाली तीन समझना जरूरी है। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दंड और आज्ञा पालन। पनिशमेंट मतलब दंड, ओबिडेंस मतलब आज्ञा करना, दंड और ये आज्ञा पालन। एक इन्होंने ये बताया। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल रिलेवेंटल ओरिएंटेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंटल मतलब यांत्रिक, यांत्रिक रूप से किसी तरह को कैसे किया जाए, यांत्रिक रूप से। वैसे आपको नीड होगी तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दूंगी, आप पहले आप समझिए। तो ये दो चीज इन्होंने कही कि पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक विकास या तो पनिशमेंट ओरिएंटेड के बेस पे या इंस्ट्रूमेंटल के बेस पे, कहने का मतलब दंड आज्ञा पालन या यांत्रिक। अब बात करें अगर हम पहले वाले की कि दंड और आज्ञा पालन के अंदर क्या होता है, तो दंड आज्ञा पालन के अंदर मतलब कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी बालक के डर से या आज्ञा के द्वारा हम नैतिकता प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इस एज में बालक सही गलत का निर्णय खुद नहीं ले पाता है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसको हम जो चीज सिखाते हैं वो उसके अनुसार काम करता है। कहते नहीं है छोटे बच्चे होते हैं कि जैसे माता कहती है पिताजी का पैर छुओ, या बच्चों को सिखाया जाता है हमारे बड़े हैं हमें नमस्ते करो, तो इस तरह क्या होता है उनको चीजें सिखाई जाती है। नैतिकता हम सिखाते हैं उसके माना निर्धारित करते हैं कि हमें कैसे आदर करना है कैसे नहीं करना। जैसे कभी नहीं नमस्ते करते या कुछ गलती करते माँ क्या कहती, तुमको दंड दूंगा बड़े हैं तुमसे। तो ये सब चीजें पूर्व कन्वेंशनल लेवल में आती है, दंड के अंदर आती है, दंड एवं आज्ञा पालन। बच्चे ने माँ ने सिखाया, बड़े किसी भी बड़े ने सिखाया, कुछ सिखाया गया उसने किया तो उसने आज्ञा पालन किया, नहीं किया तो उसको हम दंड देंगे। इसका दूसरा प्रारूप इन्होंने कहा कि यांत्रिक रूप में, इसको अगर बुरा कहा जाए तो यांत्रिक सापेक्षिकता, सापेक्षिकता विमुख। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बालक अगर कार्य कर रहा है तो जिसकी वजह से वो यह कार्य करता रहे तो उसको प्रबल हम कैसे करें। बच्चा जैसे कर रहा है जैसे उसने माँ ने कहा बच्चे से, मैं आपको एग्जांपल दूं कि तुम्हारे अंकल आए उनको नमस्ते करो, बच्चे ने जाके कहा नमस्ते, माँ ने या अंकल ने उसको प्रबल करने के ताकि वो ये चीज करता है उसकी तारीफ कर दिया, बहुत अच्छे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जीते रहो, मतलब इस तरह करके आशीर्वाद देना, कुछ भी उसके रिइंफोर्समेंट करना उसको बढ़ाना। इससे क्या होगा वो जब आएंगे बच्चा खुश होकर जाएगा कि नहीं अंकल मेरी तारीफ करते मैं उनसे करूंगा। तो ये एक तरह को उन्होंने बताया कि पूर्व कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, बच्चे को जो चीजें माननी चीजें सिखाई जाती हैं उसके बदले में उनका हम प्रॉब्लम बढ़ाएं या गलती करें तो डांटें, इस तरह का जो रिइंफोर्समेंट होता है वो पूर्व कन्वेंशनल लेवल में चलता है। इससे वो आदत उसके अंदर बनती रहती है और क्योंकि वो चीज अगर कोई गलत आदत बननी है तो वो हटने की भी कोशिश करती है। अगर ना किया जाए वहां पर वो गलत आदत तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक आ जाती है और फिर वो परिवर्तित होना बहुत कठिन हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कुछ बच्चे गलत हरकत करते हैं बचपन में, शैतानी कर रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं, नहीं डांटा जाए नहीं दंड दिया जाए हंस दे तो बच्चों की आदत पड़ जाती है, वो बार बार वही काम करते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह जब वो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं फिर उनको छुड़ाना वो चीज गलत हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए इसमें यहाँ कहा जाता है आज्ञा में आज्ञा दो, अगर गलत करे तो उन्हें दंड दो, उसको भी उन्होंने दुर्दा से कहा प्रॉब्लम, फोर्स रिफोर्समेंट भी कर सकते हैं। अगला हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर के उन्होंने दो चीज बताई है, एक है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल भी बड़ी हाथ रखना जरूरी है, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से जुट करके, परस्पर एकजुट होकर के कोई भी चीज करना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा अथॉरिटी मेंटेनिंग। अब जैसे नाम से हो रहा अथॉरिटी मेंटेनिंग मतलब अथॉरिटी एक तरह का अधिकार होता है, अथॉरिटी लेना मतलब क्या होता है अपने हक में लेना, अपने हक से काम करना, तो अधिकार संरक्षण के लिए मेंटेनेंस, अधिकार संरक्षण। तो इस लेवल में 10 से 13 साल के लेवल में अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज बताई कि व्यक्ति अच्छा बनने के लिए नैतिकता प्रदर्शित करता है इसलिए एक साथ कार्य करता है। ठीक है, मतलब इस लेवल
साल तक आता है, छोटा बच्चा क्या मतलब नॉर्मल बाल शैशवा से बालावस्था रहता है, उत्तर शैशवावस्था से पूर्व बालावस्था तक। तो इस केस में क्या हो जाता है, बच्चे ने जो सिखाया गया उसने किया, आज्ञा दंड पालन प्रॉब्लम मिला। फिर जब वो धीरे धीरे 10 से 13 साल के बीच में आया तो समाज में जो चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, किसमें, समाज के नियमों के हिसाब से। अगर ऑप्शन में लिखकर आ जाए प्री कमर्शियल लेवल में क्या होता है बच्चा आदर निर्णय ये सब, तो वो उसमें आ जाए। लेकिन समाज का कोई शब्द आ जाए, समाज से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए समाज, तो वो इसमें ना आके इसमें आ जाता है। क्योंकि जैसे देखा जाए आजकल के बच्चों की आप बात करें तो पैदा होते ही मोबाइल से खेलना शुरू कर देते, लेकिन जो असली समझ होती है वो एक समय पर ही आती है। तो कन्वेंशनल लेवल में हमारा क्या हो जाता है, वो समाज के नियमों को समझना शुरू कर देता है कि कहाँ पर हमें एक साथ मिलकर काम करना है, किस तरह करना है ताकि हमारी नैतिकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, हम समाज के चार लोगों के बीच में जाने जाएं। तो ये एम देखते थे आप बच्चे जैसे जो बड़े होने लगते हैं बड़े काम में जाते क्या होता है उनको अपने आप को अच्छा दिखाने, यहाँ सिखाया जाता है ऐसा करो तो अच्छे लोग करेंगे, तो उसको रिफोर्समेंट मिलता है तो वो करता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज समझने लगता है तो खुद करने का प्रयास करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो चार लोग मुझे जानेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, तो वो जानबूझ के चीज करता है। उसी में कुछ बच्चे गलत चीजें भी करते हैं तो उनको डांट पड़ती, तो वो अलग होते चले जाते, जैसे नैतिकता उनमें नहीं रह जाती। तो इसलिए इस लेवल में समाज के नियमों को समझता है, ये जानता है कि मेरा अधिकार के संरक्षण में आएगा, मैं इन चीजों को करूंगा तो मुझे नैतिकता आएगी और मुझे चार लोग जानेंगे। तो ये लेवल हमारा समाज, समाज से रिलेटेड शब्दों तो कन्वेंशन लेवल आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल, इसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें अगर कहना चाहे मतलब ये एक चीज ये कहती है कि बच्चे में नैतिकता जो होती है वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके अंदर नैतिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ पर वो समाज के नियमों को समझ के करेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा वो नियमों को और समझेगा, उसका स्तर वैसा बढ़ता चला जाता है। थर्ड कहें हम पोस्ट कन्वेंशियल स्तर। पोस्ट कन्वेंशियल स्तर की अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक्स ओरिएंटेशन। दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल मतलब सामाजिक विधि संपर्क, सोशल होके वर्क करना, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंधन, इसकी अगर हम बात करें हिंदी में तो सामाजिक अनुबंध इस तरह करके, अगर इसको शॉर्ट में हम कहना चाहें तो विधि संबंध मतलब विधि से रिलेटेड, विधि मतलब कानून से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड काम करेगा। और दूसरी बात करें यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक रूप में, सार्वभौमिक कहना चाहें तो सारे कार्य कोई भी कार्य हो सब तरह के, मेरा इसके अंदर नाम से मतलब नहीं क्या आता है क्योंकि ये तीन ऑप्शन से रिलेटेड आए। अगर हम इसका सोशल सामाजिक उन्मुख होकर बात करें, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहे तो विधि संबंध मतलब कानून, कानून के द्वारा सही मानी गई बातों के अनुसार नैतिकता दिखाना, मतलब इसमें हमारा क्या आता है कानून, जो कानून इसमें तो समाज ने बनाया, इसमें घर से सीखा, इसमें कानून ने जो नियम बताए उसके अनुसार, जैसे जैसे क्या होता है सड़क पे चलते ट्रैफिक के रूल होते हैं तो वो समाज ने नहीं बनाए, वो कानून ने बनाया ना, तो उनके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। तो इस लेवल में हम क्या था 13 साल ऊपर हम कानून की चीजों को समझते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारा अधिकार है, ऐसा क्षण है, तो कानून के द्वारा हम समाज में दी गई चीजों को वैल्यू देते हैं। दूसरा सार्वभौमिक कहना चाहे तो कोई भी कार्य सार्वभौमिक रूप से सही होता है जब तक उसमें किया गया कार्य सार्वभौमिक न, कहने का मतलब कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो अपना पूर्ण नियंत्रण के साथ आंतरिक रूप से नियंत्रण हमारा होता है, हम जानते हैं ये चीज हम कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा। तो मेन चीज ये याद रखनी है तीन लेवल इन्होंने क्या दिए हैं, तीन स्तर क्या दिए, सॉरी स्टेज, प्रू कन्वेंशियल, कन्वेंशियल एंड पोस्ट कन्वेंशियल। मतलब पूर्व परंपरागत बच्चा जब कैसे क्या नैतिकता उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद नैतिकता और आगे बढ़ती है कि समाज तक पहुंचती है, मतलब पहले ये सोची माता पिता से घर परिवार से बढ़ते बढ़ते समाज तक गई, फिर समाज के नियमों को पालन करते करते कानून तक पहुंची। तो ये तीन लेवल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रूल्स मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। मानवतावादी एग्जाम में अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो नाम था इनका, मेन मैस्लो सबको सियासत में, क्योंकि
आवश्यक, ठीक है। और इसको एक नाम और आता है इसमें, ठीक है, एक तो ये नाम हमारा हो जाता है मानव अभता अधिगम का सिद्धांत, मैस्लो का मांग सिद्धांत, या इसको ये भी कह सकते हैं आवश्यकता, नीड। तो ऐसा कुछ भी आए कि आवश्यकता से रिलेटेड सिद्धांत किसका है, मैस्लो का, तो आवश्यकता होती है तो हम कोई चीज की मांग करते हैं, तो मांग का सिद्धांत भी मैस्लो में है, और मांग कौन करता है, मानव करता है, तो मानव का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। तो ऐसे कुछ इसके नाम है जो आते हैं। इन्होंने इतनी सी बात बोली थी कि जो मानव की आवश्यकता है, ठीक है, वो दो रूप से होती है, एक होती है जो उसकी बहुत नीड है, दूसरी इस तरह समझाना जाए, इन्होंने मानव की आवश्यकता को पांच रूप में बांटा। इसमें इन्होंने ये बोला कि तीन अवस्थाएं हैं, ये प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, ठीक है, और ये दूसरी हमारी क्या है, सेकेंडरी अवस्था, या गौण कह सकते हैं, मतलब ये जरूरी है। इसके बाद क्या, इन्होंने इस तरह लेवल बनाया कि सबसे पहले व्यक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांच, उन्होंने पांच अवस्थाएं दी। इसमें से ये तीन हमारी प्राथमिक मूल अवस्थाएं हैं जिनके बिना जीवन जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये हमारी गौण आती है, तीन कौन सी, दैहिक, दैहिक मतलब फिजिकली, जो हमारी दैहिक अवस्था होती है शारीरिक रूप से, दैहिक मतलब शारीरिक रूप से, रोटी, कपड़ा और मकान, पिक्चर याद आ गई क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, तो सही। सबसे मेन, सबसे पहले मेन नीड क्या होता है, खाने को कुछ मिल जाए, पेट भरा रहे, कपड़े और रहने के लिए, ये तीन, तो ये सबसे पहली अवस्था है। जब किसी व्यक्ति की ये अवस्था पूरी होती है, ठीक है, जब ये अवस्था किसी व्यक्ति की पूरी होती है तब वो अगले पे जाता है। जैसे देखा होगा कुछ लोगों को रोटी की ही सिर्फ चाहत होती है, क्योंकि पहले पेट भरेगा, फटे चितरे कपड़े पहन के बैठे होते, कपड़ा नहीं, पहले वो रोटी मांगते हैं, और जिसका पेट भर जाता है वो फिर कपड़े पे आता है, फिर रहने का ठिकाना। इसमें भी देखिए सीक्वेंस, सबसे पहले पेट भरे, फिर तन ढके, फिर रहने का ठिकाना। तो आवश्यकता मनुष्य के पूरे होने के साथ में बढ़ती है। कोई कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे, उसके पास वो है इसलिए उसको जरूरत नहीं, लेकिन जब उसकी वो चीज नहीं होगी तो उसको जरूरत होगी। तो सबसे पहले उसकी दैहिक अवस्था होती है, दैहिक अवस्था मतलब शारीरिक रूप से जिन चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये आवश्यकता उसकी पूरी होने लगती है तब वो दूसरी चीज पे जाता है। दूसरी चीज क्या, सुरक्षा, मतलब सामाजिक रूप से उसकी सुरक्षा के रूप में जाता है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उसकी क्या है, वो वहां पहुंचता है, और जब वो पूरी हो जाती है तो फिर वो आगे बढ़ता है समाज की तरफ से। मतलब इसको अगर हम पूरा कहना चाहें तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संबंध, दोनों समाज से रिलेटेड। जब ये आवश्यकता पूरी होती है तो वो सामाजिक सुरक्षा की तरफ बढ़ता है, मतलब उसकी सुरक्षा कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित है, किस माहौल में सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित है। जब वो सुरक्षित महसूस करने लगता है फिर उसके बाद वो संबंध पे जाता है, रिलेशन बनाना, कि लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार करना, एक तरह का संबंध धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब यह आवश्यकता पूरी होती है तो फिर अपने सम्मान की तरफ, कि मैं अपनी अपनी वैल्यू कैसे मैं, अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन, लोग मेरी कैसे सम्मान करें, उस तरह से रिलेटेड। फिर ये पूरी होती है तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, मतलब सेल्फ, सेल्फ मेरा मेंटेन रहे, कैसे कंट्रोल रहे। तो अगर आप किसी व्यक्ति को कहोगे उसके अंदर तो अपना स्वाभिमान ही नहीं, जब उसकी ये आवश्यकता ही नहीं पूरी हुई है तो स्वाभिमान की बात कैसे कर लेगा, जब उसको रोटी खाने को नहीं मिल रही, कपड़ा पहनने को, उसकी सुरक्षा का डर है, तो स्वाभिमान पे कैसे आ जाएगा, है ना। पहले जिसकी ये सब चीजें पूरी है, हम लोग क्या बात कहते हैं कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू, क्यों, हमारी ये नीड पूरी हो रही है ना, हमें किसी चीज का डर नहीं है, सब रिलेशन है, सारे संबंध मौजूद है रोटी, तो हमें जब इस चीज का नहीं, तब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर आते हैं, अपनी कुछ इमेज बनाना चाहते हैं, अपना कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन जिनकी ये बेसिक चीज नहीं पूरी होती, तो यहाँ इसीलिए इनको प्राइमरी, प्राथमिक आवश्यकता बोली है, कि फर्स्ट आवश्यकता हमारी ये तीन होती है, इनके पूरा होने के बाद बाकी इन्होंने दो गौण अवस्थाओं को बोला है, ठीक है। तो मैस्लो का सिद्धांत आवश्यकता से रिलेटेड आता है, तो आवश्यकता से रिलेटेड जो भी आएंगे उसमें पांच आते हैं, तीन प्राथमिक और दो गौण। तो हमने दो तरह के
एग्जाम में